अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के दौरान पूरे देश ने किया खुशी का इजहार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर में राम मंदिर की आधारशिला रखी तो वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ढोल नगाड़े बजाकर और हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी प्रसन्नता और इस मौके का स्वागत किया। पर लोगों की खुशी सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रही, अपितु पूरे देश के हर कोने में अयोध्या के शिलान्यास के बाद जगह जगह लोगों ने दीप जलाकर, तो कहीं पटाखे छोड़कर, तो कहीं ढोल बजाकर और नाच गानों के साथ इसका स्वागत किया। ये लेकर चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने किया अपनी खुशी का इजहार। ये है नज़ारा उत्तराखंड के नैनीताल का, जहाँ श्री राम सेवक सभा मैदान में सरोवर नगरी व सर्वधर्म की नगरी जिला एवं मंडल मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर खुशी का ऐसा उल्लास देखा गया। पार्टी कार्यकर्ता इस मौके पर झूम कर नाचे और उन्होंने उपस्थित लोगों को मिठाई वितरित की। इस दौरान जमकर पटाखे भी जलाए, जय श्री राम के नारों से सरोवर नगरी को गुंजमान कर दिया। लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर का दृश्य, जहां बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी इसका बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और NCR की, कि कैसे लोगों ने किया इस अयोध्या शिलान्यास का स्वागत। पीढ़ियां गुजर गई इस इंतजार में, किस्मत वाले हैं हम जो साक्षी हो रहे हैं श्री राम के त्यौहार में। जी हाँ, वैसे तो दीपावली का पर्व हर साल वर्ष में एक बारी मनाया जाता है, लेकिन 2020 का 5 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति की सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगस्त का यह मंथ इस समय बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आया है। 5 अगस्त है और 5 अगस्त को श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी गई है और इसी के साथ आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी के लिए आज के दिन घर घर पर दिवाली की तरह दिए जलाए जा रहे हैं। आइए इन्हीं सब पर एक झलक देखते हैं। घर घर में जलता हुआ यह प्रकाश पुंज एक अलग ही प्रकार की हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।